4 मार्च 2016 को इसी खंभे से बंधी रमा कंवर जिंदा जल गई। सुना है कि 35 लोगों की भीड़ रमा को इसी चौराहे पर घसीटते हुए लाई और फिर आग लगा दी। आसपुर तहसील के गांव पचलासा छोटा में सरेआम हुई इस घटना के 2 चश्मदीद गवाहों ने मंदिर के पीछे से छिपकर सब कुछ देखा। 2 लोगों ने हाथ पकड़ा, 2 लोगों ने पैर पकड़ा और फिर ऐसे कपड़े को कैसे कहते हैं निचोड़ते, ऐसे निचोड़ रहे थे उनको। फिर वो हड्डियाँ टूटने वाली, हड्डियाँ टूट गई उनकी ऐसे। फिर कैरोसिन डाला उनके ऊपर, चिल्लाई चिल्ला तो कोई भी अपने को मारेंगे तो अपन भी चिल्लाएंगे, वो भी चिल्ला रही थी चिक चिक के। फिर कौन सुनेगा उनकी वहाँ पे, तो सर कोई भी नहीं, कोई सारे गांव के लोग तो सब बंद करके घर में घुस गए थे। और वो जो लोग आए थे वही थे, उसका भाई था, उसके भाई की कौन सुने उतने में। वो लोग तो मान ईश्वर सिंह वानौत ने ये सब तो उसको बोलने ही नहीं दे रहे थे। फिर उनको चला के मार दिया वहाँ। अटला आदमी था जटला मार घेरा आया था, अटला आदमी था थोड़ा वर्ता तणवी आ गया बीजाए बीजाए अन्ना बेटी ने खोए श्यारिकता भाई। 250 आदमी कोई आता नहीं, सब बातें ही सब बनावी बातें करे ही सूटवान बल्ले पर जे ता ये तो ता भाई 250 आदमी एक मनक ने नहीं मारता है, एकस मनक मारे एकस वाय गए तो मनक तो मरी जाए, अटला नहीं की जरूरत पड़े। लक्ष्मण सिंह ने बोला कि ढूंढो उसको घर में, तो हमारे 2 घर है, 2 घरों में घुस गए सब लोग। सब लोग घुस के कहीं नहीं मिले तो लास्ट बाथरूम में गए तो ईश्वर सिंह ने बोला कि वो बाथरूम में थी तो किमार तोड़ दो बाथरूम का। तो किमार तोड़ दिया, किमार तोड़ने में दलपत सिंह, गजेंद्र प्रवीण सिंह और ईश्वर सिंह इन्होंने निकाला बाहर। बाहर निकाल के वो प्रताप को और मोती को से पूछा कि पहचानो यही है रमा, तो फिर उन्होंने कहा हाँ यही है रमा। फिर ईश्वर सिंह ने 2 रेपटे लगाए उनको, फिर मारते सब लोगों ने मारा वहाँ जितने थे, प्रवीण सिंह, दलपत सिंह, धूल सिंह और ये इन सब ने मारा, मोती को और प्रताप को सब ने मारा। मारते मारते चौराहे पे लेके गए। घटना जो हुई है वो तो निंदनीय हुई है, ये मैं क्या बोलूँ, पूरा गाँव के सभी लोग बोलेंगे। दूसरी बात यह कि जो गए हैं वो देखने वाले गए हैं, वो तो निर्दोष बाईगाट बाहर होने चाहिए। और जो वास्तविक में गलती है उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए, पर कौन है ये तो कोई मालूम है नहीं। यहाँ से मैं तो 2-3 किलोमीटर दूर रहता हूँ, मौके पे था नहीं, झूठी बात कर देते असमर्थ रहता हूँ मैं झूठी बात से, क्योंकि बात हर हमेशा करने से नहीं होती है, कर्तव्य करने से होती है, ऐसी बात ही है। इसमें ऐसा हुआ है, ओरिजिनल बात लोग कहते हैं, अपन ने तो देखा नहीं सुना नहीं, ना लड़की के मुँह से सुनी है कि ना किसी और के मुँह से सुनी है। लोग अफवाह कहते हैं कि इसकी लड़के और लड़की दोनों की अनबन हो गई, लड़की भी नाराज़ होकर चली आई, यूँ बोलते हैं। फिर यहाँ आई तो यहाँ से तो शादीशुदा थी, दूसरे से राजपूत लड़के से शादी की हुई थी, शादी करने के बाद में वो भग गई थी, भगने के बाद में ऐसा हुआ तो वो वापस आई तो उसके माँ बाप के घर नहीं जाने दी, वो उसके ससुराल में गई। ससुराल वालों की उनकी सांस की और इनकी अनबन हुई, यूँ बोलते हैं लोग, अपन तो मौके पे थे नहीं, लोग बोलते हैं। अनबन होने के बाद में उसने बोला कि मेरे को यहाँ भी रहने देंगे, यहाँ भी नहीं, वो भी मारता है ना ऐसा करता है, तो फिर मुझे ज़िंदा रहना ही असमर्थ है, तो गाँव के चबूतरे पर मर जाऊँ यूँ। इसके भाई के घर गई तो भाई ने भी भगा दी लपड़े के 2 मार के कि तू मेरे यहाँ मत आ, समाज ने मेरे को वो किया हो तो, यूँ करके ऐसी बात हुई थी। इसके बाद में क्या हुआ कि लड़की जो है ये आने के बाद में उसकी भाभी को 1-2 लपड़ मार दी। Yeah.
भाई 30-35 लोग आए हैं अपने घर पे और रामू भाभी को पकड़ लिया है। मुंबई से फ़ोन आया मेरे भाई जीतू का। मैंने कहा कौन 30-35 लोग आए हैं और किसने पकड़ लिया है, कि क्या पता मेरे मिसेस का फ़ोन आया है 30-35 जने आए हैं। तो मैंने कहा चौराहे की तरफ ले गए हैं, तो तू सागवाड़ा वाली सिस्टर को फ़ोन लगा, आसपुर चौकी के नंबर मेरे पास है नहीं। तो उसने लीला को फ़ोन लगाया, तो उसने चौकी पे खबर देनी चाहिए, लेकिन चौकी पुलिस वालों ने कहा कि तो आसपुर का मामला है, हम क्या करें इसमें, आसपुर जाके खबर दो। तो वो लोग आसपुर के लिए निकले, फिर गाड़ी लेके बड़ौदा गांव आता है बीच में, जहाँ से हमारे पचलासा के लिए टर्न होती है गाड़ी। बड़ौदा में गए तो वहाँ इन्होंने कुछ राजपूत देखे, क्या पता वो किस पर्पज से खड़े थे, लेकिन इन्होंने देखे मेरी सिस्टर ने, इन्होंने तो ये डर गए, वापस सागवाड़ा आ गए। जीतू ने नेट पे सर्च किया और ये आसपुर थाने के नंबर निकाले और आसपुर थानेदार को फ़ोन लगाया। आसपुर थानेदार आधी रात के समय जब गांव में घुसे तो उन्होंने शमशान में जलती हुई चिता देखी और फिर चौराहे पर बिखरी राख और गीली मिट्टी देख वो पूरा मामला समझ गए। ऊपर से तुरंत कार्रवाई करने के आदेश मिले। पुलिस भावना कलावती और रमा की बेटी नन्नी को फौरन थाने लेकर आई और घटना की FIR लिखी। कलावती अपने बयान में लिखती हैं, मेरे बेटे प्रकाश ने 7-8 साल पहले पचलासा छोटा के विजय सिंह पिता पहाड़ सिंह की बेटी रामेश्वरी से प्रेम विवाह किया था, तब से वह बाहर ही रह रहा था। FIR में सिर्फ 3 लोगों का नाम आया, लक्ष्मण सिंह पिता विजय सिंह, प्रवीण सिंह, कल्लू सिंह पिता गौतम सिंह, और बाकी सब अन्य थे। सुबह होते होते 161 CRPC की रिपोर्ट में नाम 3 से बढ़कर 35 हुए और आज के दिन तक लक्ष्मण सिंह पिता विजय सिंह व प्रवीण सिंह पिता वीर सिंह को छोड़कर सभी को जमानत मिल चुकी है। मेरे गांव को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, उस गांव का मतलब हर चीज़ से मेरा तजुर्बा है, और जो छुप रहे हैं उनको मैं गुनहगार नहीं कह सकता, क्योंकि वो किस प्रेशर में है ये चीज़ सिर्फ मैं जान सकता हूँ। नाम दोबारा से बताओ। नाम बता दे। नाम बता अपना। नहीं नहीं बता, एक बार बता दे। मैंने तो ये भी सुना है कि उसको आधा मारपीट होने के बाद ये भी कह दिया था कि भाई मेरी बहन को अब छोड़ दीजिए, मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगा और बाकी इतना जो हो गया आप लोग छोड़ दीजिए, ऐसा हाथा जोड़ी भी करी उसने खूब, ऐसा सुनने में आया सब। मैं भी और सुनने में कुछ और आया हो आपके, और सुनने में तो साहब क्या बता सकूं मैं आपको, मेरी तो स्थिति ऐसी है कि मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, ये कंडीशन है साहब मेरी, तो यही सुनने में आया सब, बस साहब क्या बताऊँ। और वो मतलब घर पे लेने के लिए आए तब लक्ष्मण सिंह नहीं था। अच्छा। इसके बाद उनको लेके गए, इसके बाद उसको लेने के लिए गए लक्ष्मण सिंह को, कि इसके भाई को बुलाओ, ये काम अपन नहीं करेंगे, उसके भाई से करवाएंगे। ये बोला गया वहाँ, ये वहाँ पे बोला गया कि ये काम अपन नहीं करेंगे, उसके भाई को बोला जाए। तो बुला के लाए ये महेंद्र सिंह पनवा, ईश्वर सिंह वानौत और कुछ 2-4 लोग और गए लेके आए उसको, और लाने के बाद उसको बोला कि इसको जलाना पड़ेगा अब तेज को। तो उसने कहा ये काम मैं नहीं कर सकता, आप लोगों ने बहुत कर दिया है, ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। अंधेरा था लेकिन वो जल रही थी के? हाँ। उससे उजाला हो रहा था। अच्छा। वो जला रहे थे उनको, उससे उजाला हो रहा था, उससे वो बोल रहे थे कि कौन बोल रहा, वो सुनाई दे रहा था, उसके पास ही थे वो लोग, इसको ऐसा करो, वो लोग देख, मैं उनको देख पा रही थी। पुलिस ने भी हमारे साथ
बहुत बड़ा धोखा किया। पुलिस वाले ने बताया कि आईजी साहब तो 30-32 नाम लिख के चले गए, बाकी कम से कम 15 लोग या 17 लोग तो आपको देना पड़ेगा कुछ भी करके। तो फिर हमारे समाज वाले लोग थाने के अंदर, चौकी के अंदर इकट्ठे हुए, कम से कम 50 गांव के लोग थे, हर गांव के 10-10 व्यक्ति थे। तो पुलिस वालों ने बताया कि हमको कम से कम 15-17 लोग तो चाहिए, तो बाद में जो बैठ के जो बात करनी पड़ेगी वो कर देंगे, 2-3-4 दिन के अंदर छोड़ देंगे। उस तरह से पुलिस वालों ने हमें गुमराह किया और हमारे समाज वालों ने दो चार देते देते 15 का टारगेट पूरा किया है। ऐसा तो कुछ लड़कों की उम्र तो तकरीबन 19 साल है। 19 साल है पढ़ने वाले बच्चे थे कुछ साढ़े हम। एक लड़का है जो कि 12वीं की परीक्षा दे रहा था। तीन लड़के 12वीं की परीक्षा दे रहे थे। तीन लड़के दे रहे थे। तीन लड़के 12वीं परीक्षा 15 में गए। 10वीं में उसने नहीं 12वीं साइंस में, पर 10वीं में भी अच्छे मेरिट में नंबर लाया था। 2-3 लड़के जैसे थे। बिल्कुल मेरे दोस्त हैं इनमें से कई। इनमें से कई लड़के मेरे दोस्त थे। दोस्तों के छोटे भाई हैं जो अभी नई पीढ़ी के लोग हैं। गांव में कई नाम एक जैसे हैं, इसलिए पहचान के लिए नाम के साथ पिता और बाड़े का नाम जोड़ दिया जाता है। पकड़े गए नामों में से ज्यादातर जवान हैं, कच्ची मिट्टी जैसे, जिसे जो चाहे जिस सांचे में ढाल ले। 161 की रिपोर्ट में भी कुछ नाम नहीं आए, लेकिन वो उस रात गांव में मौजूद थे और अंधेरी रात इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देते रहे। नौजवान उम्मीदों को हत्यारी सच्चाइयों में बदलते रहे।